अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हेलो ब्रदर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लॉन्ग लाइन फ़िशिंग, जिसे हम संगल कहते हैं। संगल फ़िशिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरह इसकी लाइन बना के डीप सी में छोड़ी जाती है, किस किस तरीके से उसे चारा लगाया जाता है और कैसे फिर उस लाइन को निकाला जाता है, आगे वीडियो में देखें और इन्जॉय करें। और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये पहले सिंगल में हमने ये रिली कैचेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है और ये है। जा रहे हैं फिशिंग के लिए और इस सुबह का मौसम देखें। ये हम लोग आज जा रहे हैं सिंगल डालने के लिए। किश्तियाँ आगे खड़ी हुई हैं, मैं आपको किश्ती आगे दिखाता हूँ। किश्ती आगे खड़ी हुई, आसिफ जा रहे हैं। आसिफ हाथ चला दो भाई। और ये मैं हूँ। सुबह अभी मैंने रात को निकले थे, सुबह नमाज़ पढ़ी हमने और नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम जा रहे हैं फिशिंग के लिए। हमारे लीडर हैं सर, अमू अंकल। अमू अंकल हमारे लीडर हैं। ये हमारे अमू अंकल लीडर हैं हमारे। हम अभी कश्ती पे चढ़ गए हैं और सब लोग कश्ती में चढ़ रहे हैं। अब तो इसका सामान अगर गाड़ी में रह गया है ना, गुटखा पान का, हाँ, हम कश्ती में चढ़ गए हैं। सामान लोड हो रहा है, सारी किश्तियाँ ये देखें, ये कश्ती है, कश्तियों में चढ़ गए हैं। उम्मीद है कि 5 से 6 किलो मछली पकड़ेंगे। दुआओं दुआ करेंगे 5 से 6 किलो मछली आए हमारे पास इंशाल्लाह ताला। दो यहाँ पे हम लोग अभी तरह तैयार कर रहे हैं मछली पकड़ने का। संगल डालेंगे, एक तार होता है जिसमें बहुत सारे हुक्स होते हैं और हम लोग लॉन्ग लाइन तो उसमें से हम ये स्पॉट्स हैं बर्ड्स हैं ये बेसिकली काट कर उस पर लगाएंगे, इस पर वो हुक्स पे लगाएंगे और फिर बिग मोस्ट प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग 500 kg ऑफ फिशेस। आपको ठीक थोड़ा रहा है मगर एक चौरस 14 to 15 kg है, बहुत सारा ये स्क्वाइड्स है और ये स्क्वाइड्स यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये बेसिकली इसके लिए गडानिया फिश ही आना पड़ता है। और ये हमारे आबू के सारे बेटे और ये हमारे जाने वाले हैं जो प्रॉपर फिशिंग करते हैं, उनके साथ हम लोग फिश पे आ रहे हैं। ये वही सो रहे हैं और ये टाइम क्या हो रहा है जी? मैया यहाँ पे साफ हुआ और ये जो है ये मैया लग रहा है, ये मैया मूल बना रहा बन रही है। ये मैया लग रहा है अभी, ये पूरी डोरी जो है ये समंदर में डालेंगे। मैया लग रहा है, पूरा मैया लग रहा है, वो साफ हो रहा है, वो देखो लॉन्ग लाइन फिशिंग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पहले अपना नोट करने जा रहे हैं ये मार्क, इसको फर्स्ट एंगल को कहते हैं मार्क, ये जिसमें झंडा लगा हुआ है, ये इन्होंने नीचे की तरफ गिरा दिया है। आपको मैं दिखाऊं, ये नीचे की तरफ गिरा दिया, ये मार्क है, ये डंडा हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ इनको वेट गिराना है, पहले इसको लेंथ देंगे, लंबाई कंप्लीट करेंगे, ये खाली लंबाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी है, टेरिटरी मार्क करने के बाद ये लोग पत्थर के साथ इसको पहले लंगर अंदाज करेंगे। ये इन्होंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी लेंथ दे रहे हैं, ये स्माइल है और ये लेंथ दे रहे हैं। जब ये लंबाई पूरी हो जाएगी, जहाँ पे इन्होंने अभी डंडा डाला है वहाँ से कश्ती को आगे की तरफ ले, ये देखें आपको झंडा अगर नज़र आए तो ये झंडा पीछे है ब्लैक कलर का। अब ये संगल डालना शुरू कर दिया इन्होंने, ये आप देखें, ये हज़ारा
कहलाता है। इसके अंदर तकरीबन 1200 कांटे एक साथ लगे होते हैं, जिसके अंदर इन्होंने मैया लगाया है साफ करके, जो पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे मौजूद था। ये फेंकते जा रहे हैं, ये इन्होंने इसको वज़न डाला साथ में, वज़न यानी पत्थर का टुकड़ा जो कि लाइन को नीचे रखेगा। फिर ये लोग ये मुसलसल आगे की तरफ और डालते जा रहे हैं संगल। जब इनकी एक लाइन पूरी होगी तो फिर ये थर्मापोल डालेंगे। थर्मापोल डालने का मतलब ये होता है एक जगह से वेट देना ताकि लाइन नीचे रहे, और एक जगह से लाइन को ऊपर रखने के लिए थर्मापोल, तो इक्विलिब्रियम में रहे। क्योंकि इसको तकरीबन ये 10 वाम पे या 22 वाम पे इसको रोकते हैं। वाम का मतलब होता है लेंथ, यानी 6 मीटर इज इक्वल टू 1 वाम। तो ये तकरीबन 22 वाम की लेंथ के ऊपर इसको रोका जाता है, 22 वाम की लेंथ पे रोका जाता है। 10 वाम पे लगता है और 12 वाम पे भी लगता है। ये देखें थर्मोपोल है। अब ये जो लॉन्ग लाइन इन्होंने डाली है उसके अंदर थर्मोपोल को हाइट पे रखने के लिए इस थर्मोपोल को कनेक्ट करेंगे उसके साथ, जिस तरीके से वेट को पहले मैंने आपको दिखाया था कनेक्ट किया था। यहाँ पर ये चारे की तैयारी चल रही है। यहाँ पे संगल के अंदर जो कांटे हैं उसके अंदर ये कटी हुई मैया लगाई जा रही है। ये ताज़ी मैया है, ये रखी हुई है, और ये अब्दुल रजाक भाई हैं जो मैया की कटाई कर रहे हैं। इन भाई का नाम मुझे नहीं, ये अब्दुल नदीम, ये लतीफ़ नाम है, लतीफ़ नाम है। ये लतीफ़ भाई जो हैं ये मैया लगा रहे हैं। ये नोनी भाई हैं, ये सिर्फ हठरामी कर रहे हैं, और वो बराबर में हैं, वो उनके भाई हैं, वो आमू अंकल का भांजा, भतीजा। और असद ये आपको नज़र आएंगे सामने, येलो कलर के पहने हुए हैं इन्होंने, का शर्ट टाइप का वो जैकेट ये। और ये इस्माइल जो हैं संगल का लाइंस गिराते जा रहे हैं, संगल की लाइन मतलब लॉन्ग लाइन गिराते जा रहे हैं। लॉन्ग लाइन के अंदर फिर वही बात है कि एक वेट डालते हैं नीचे रखने के लिए और एक हाइट रखने के लिए। आपको थर्मोपोल लगाना पड़ता है ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ पूरी रहे। एक लेवल 22 वॉम या 10 वॉम, हम 22 वॉम पे गिरा रहे हैं, 22 वॉम पे गिराया जा रहा है संगल, ठीक है। मछली लगी हमारी, पहली स्ट्राइक लगी हमारी, फर्स्ट स्ट्राइक कटी है। मारो भरियो के बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कटी मुझे फ्री जल्दी 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 पहली स्ट्राइक लगी हमारी। ये नाम नहीं, मेरा नाम ले आसिफ भाई। हाँ, ये जरा मुझे बना दो, बस ऐसे ऐसे करके। फर्स्ट स्ट्राइक पहली मछली लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसिफ की उसमें लगी है, पकड़ के रखिए, ये हाथ काट देंगे, हाथ काट दे, हाथ काट, इसकी फिन से हाथ कट जाएगा, स्लिप कट जाएगी, स्लिप कट जाएगी, कांटा निकाल दो, इसको वापस डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ ले बजे। हां मुझे बजे। अब निकल जाती, अब इन्होंने जैसे पकड़ी ना, अब जो है ये हम संगल खींच रहे हैं, हम संगल खींच रहे हैं, बेशक हम संगल छीन। ये देखो ये पहली, ये सारा माशाल्लाह। अभी ये और ये सांप आया है। ये सांप को मार देते हैं भाई, क्योंकि ये सांप जो है खतरनाक सांप है।
एक और सांप आया भाई, एक और सांप आया। ये देखो एक और, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दो है, दो दो लगी है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक और सारम आ गई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वन मोर सारम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े मजे की बात है कि साइज बहुत प्यारे आ रहे हैं आजकल हमारे पास। सर साइज चेक करें, इसका साइज मत करे, तुम मत करे, हर 4 किलो 3 किलो 5 किलो मत करे, साइज बहुत प्यारे है। मछली आ रहे हैं हमारे पास, ये और ये है सारम ही होगा, सारम ही होगा, सारम 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 की भरमार है आज। बात ही कि साइज बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास, साइज ये सब में बड़ा है, साइज देखे उसका, साइज देखे जबरदस्त। कितने किलो का होगा वो? वो तो मुंह मुंह बना देंगे, 5-6 किलो का होगा। ये खाने वाले एक और सांप आए हमारे पास, ये खाते हैं, ईल फिश है और इसको खाते हैं। पट्टी एक और आई, और ये है, ये क्या है, ये कौन सी है? सारम सारम मरा वहीं से पीला पीला नजर आ रहा है। ओहो हो, ये तो जबरदस्त, ये तो बहुत ही जबरदस्त पीस आ गया है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई एक और आ गया, भाई एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, पापा के कमरे पे वन मोर मुश्का। एक और मुश्का आया भाई, एक और मुश्का आया, एक और मुश्का, वन मोर मुश्का। मुश्का आया, ये पहले सिंगल में हमने ये रिली कैचेस दिखा रहा हूँ आपको, ये है और ये है, ये पहले सिंगल में हाँ मैम, ये साइज से चेक करें, साइज से देखें इसका। थक गया, बहुत थक गया हूँ, सुबह से रात से सुबह से शाम हो गई है और मछलियाँ पकड़ रहे हैं और ये हालत जाम हो रही है। एक और संगल डाल है, एक और आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खग्गा है ना? नहीं नहीं सारम सारम सारम। ला उधर
सांप आया, सांप सांप सांप, एक और सांप आया, एक और सांप आया। एक और भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी एक और आ रहे हैं। ये भी सारम है, तकरीबन हमको सारी सारम लगी हैं आजकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, वन मोर स्ट्राइक। ला मुझे खराब आने दे, सही आलती है पर मैंने कोला आने दे। सांप है बड़ा, एक सांप, बड़ा सांप आया, बहुत बड़ा सांप आ गया है हमारे पास, हमारी रोडी में। इतना बड़ा सांप मैंने खुद जिंदगी में पहली बार देखा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, चलते चलते चलते। वो बड़ा सांप लाइफ हिस्ट्री में पहली बार देखा है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और हमारे पास आ गया है, क्वीन कोबिया। क्वीन कोबिया, दिस दैट्स कॉल्ड क्वीन कोबिया। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा बड़ी जबरदस्त दाना है भाई। ये कौन सा है? ये सारम, सारम। ये भी सारम भाई, सारम। एक और वन मोर सारम। एक और सांप आया भाई, अम्मी पहले पकड़ी गई नहीं, तो वही खाने वाले ही है ना। नहीं खाने वाला नहीं, पॉज करो तो बस। ये नोनी भाई संगल निकालते हुए सांप आया, सांप आया, संगल निकाल लो। सांप आ गया भाई, सांप आ गया, सांप सांप आ गया भाई, मेरे संगल में चलो सांप भाई, मैं निकल रहा हूँ भाई। बड़ा सांप है भाई, लगा भाई। ये देखो माशाल्लाह, कहाँ गया, 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 कहा